फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज की ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम लोग कैसे पैकिंग कर रहे हैं। सो आज है सैटरडे और हम लोग कल शिफ्ट कर रहे हैं। कल पूरा सामान यहाँ से जो दूसरे घर में हम जा रहे हैं वहाँ पर शिफ्ट करने वाले हैं। सो आज हम लोग पैकर्स एंड मूवर्स वाले बन गए हैं और अच्छे से मोर देन 50% सामान है वो हमने पैक कर दिया है। और अभी वो घर जाएंगे सफाई करने के लिए, तो थोड़ा सा वहाँ पर भी हम लेके जाने वाले हैं और देखते हैं कि हम कैसे स्मूथली पैकर्स और मूवर्स के बिना और सिर्फ 3 जने फिर भी अच्छे से पैकिंग कर दिया है। अगर कोई चीज़ टूटती है, टूटने वाली है, तो उसको हमने बॉक्स में पैक किया है और ऊपर उसका सामान का नाम भी, जो सामान जो बॉक्स में है उसका पूरा नाम लिख कर रख दिया है। और यहाँ पर अगर बेडरूम का सामान है तो वहाँ पर जैसे हम सामान अरेंज करेंगे तो वो सामान वही रूम में रखेंगे। तो इस हिसाब से बहुत ही स्मूथली एंड इजीली फिर हम लोग वहाँ पर भी रीअरेंज कर पाएंगे। अभी टाइम हुआ है 12:30 और हमारा लंच बन गया है। अभी थोड़ी देर में हम लोग लंच कर लेंगे, फिर श्री 2 बजे सोएगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे वो घर। मैं और धार्मिक सिर्फ हम दोनों ही जाने वाले हैं और श्री और चाचू इधर रहेंगे ताकि श्री अगर उठ जाए तो उनका थोड़ा ध्यान भी रहे। तो इस हिसाब से हमने कितने मोर देन 15,000 रुपीस बचाए हैं। अभी आपको पूरा घर दिखाती हूँ कि कैसे कैसे सामान हमने पैक किया है। तो ये बॉक्स भी अब पैक हो गया है। अभी इसमें मैं नाम लिख दूंगी, इसमें बहुत सारी बुक्स है तो इस पे टाइटल लिख देंगे मार्कर से बुक्स। तो फिर यहाँ से मैंने जो रूम से सामान लिया है वहाँ पर वो ही रूम में ये बॉक्स रखेंगे, उस हिसाब से पूरा सामान उसी हिसाब से अरेंज करेंगे तो बहुत ही इजी रहेगा। ये देखिए, इसमें मैंने लिख दिया है किचन रसोड़ू, मतलब इसमें पूरे मसाला एंड ऑल सामान पैक किया है। इसमें है वो ग्लास की जार है, इसलिए इसको तो अभी हम लोग सफाई करने जाएंगे तभी लेके जाने वाली हूँ। इसमें बुक्स है, फिर यहाँ पर बहुत सारा सामान है, इसमें श्री के टॉयज एंड ऑल द थिंग्स है तो वो सब साथ में लेके जाऊंगी। सो अभी 2 बजे है, यस एग्जैक्टली 2 बजे है और श्री सो गई है, तो मैं और धार्मिक हम लोग निकल रहे हैं वहाँ पर जाने के लिए। तो थोड़ा जितना गाड़ी में आएगा उतना सारा सामान हम कार में अभी लगा देंगे और वहाँ पर जाके सब साफ़ सफाई एंड अच्छे से अरेंज करना है। तो देखिए, श्री तो अभी सो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा सामान जो कार में आ पाया उतना हमने ले लिया है। कांच का एक टेबल है बड़ा सा, वो भी ले लिया और अभी हम लोग निकले हैं।
लास्ट टाइम मैं आई थी तो यहाँ पर ये सामान भूल के गई थी, इसीलिए आज मैं लेके जा रही हूँ। और ये झाड़ू पोछा बकेट लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो मैं यहाँ पर भूल के गई थी, सो आज वापस लेके अभी साफ़ सफाई करेंगे। और आज मैं श्री को साथ में नहीं लाई हूँ तो अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे, वो घर पे सोई हुई है। सो चाचू भी घर पे रहे, वो थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे श्री का, और मैं और धार्मिक है तो हम थोड़ी साफ़ सफाई कर देंगे। ये धूल निकला है। सो ज़्यादा सफाई काम नहीं किया, स्टोर रूम साफ़ किया है और उसमें सब सामान जो लाई थी ग्लास का कांच का तो वो सब मैंने अरेंज कर दिया है, बाकी तो सब बहुत गंदा ही है आप देख सकते हो। हम लोग 2 बजे निकले थे और अभी 3:45 हुए हैं, और जो सामान जो जो रूम का था उस रूम में भी हमने अरेंज कर दिया है। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अभी जाएंगे घर पे, देखते हैं श्री उठ गई है या फिर सो रही है क्या है, अभी तक कॉल तो नहीं आया है। सो आई होप कि वहाँ पर सिचुएशन ठीक होगी। हाय, गुड मॉर्निंग। ऑलमोस्ट सामान पैक हो गया है, सो मोर देन 90% ऑफ सामान पैक हो गया है। और विदाउट पैकर्स एंड मूव्स करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बट ठीक है हम लोगों ने किया है, मतलब काफ़ी टाइम करते आए हैं। बीइंग रेंटल थोड़ा बहुत शिफ्टिंग का प्रॉब्लम रहता है, सो एवरी टाइम वी सेव्ड अवर 15,000 और मोर देन 15,000 रुपीज़, सो वी आर हैप्पी एन्जॉइंग अवर वर्क। अरे आज तो होली भी है, सो आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी होली टू ऑल। संडे के 5 बजे है और देखिए पूरा घर खाली हो गया है, जस्ट कांट बिलीव इतना सारा काम और बस कंप्लीट हो गया है। और श्री अभी सो रही है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये रूम भी पूरा साफ, थोड़ा सा सामान और बचा है क्योंकि आज होली है तो यहाँ पर सब लोग बोल रहे हैं कि आज के दिन शिफ्ट नहीं करना चाहिए। सो आज हम लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, इसलिए एक दो गद्दे रखे हैं, वहाँ पर श्री सो रही है उतना, और थोड़ा सा किचन का सामान रखा है, सो वो हम कल कार में जाएंगे तब साथ में लेके चले जाएंगे। सो आज की मेरी व्लॉग आपको पसंद आई होगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।